मिस्र में मुस्लिम ब्रदरहुड को आतंकी संगठन घोषित किए जाने के विरोध में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद मुर्सी समर्थकों ने राजधानी काहिरा सहित अन्य शहरों में मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई झड़प में कई लोग घायल हो गए। इस मामले में पुलिस ने 150 से भी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि मिस्र की सरकार ने हाल ही में मुस्लिम ब्रदरहुड को आतंकी संगठन घोषित कर दिया, जिसके बाद से देश में एक बार फिर से तनाव फैल गया है। अफगानिस्तान में गठबंधन सेना को निशाना बनाकर किए गए कार बम धमाके में 3 नेटो सैनिकों की मौत हो गई और 6 जवान घायल हो गए। काबुल पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया है कि यह हमला कैंप फोनिक्स नेटो अड्डे से 1 किलोमीटर से दूर हुआ। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहायता बल ने मारे गए जवानों की पहचान और नागरिकता नहीं बताई है। शुक्रवार को लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए कार बम धमाके में कम से कम 6 लोग मारे गए और 70 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये धमाका लेबनान के प्रधानमंत्री के घर के पास हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री नजीब मिकाती आजकल विदेश यात्रा पर गए हुए हैं। इस धमाके में पूर्व वित्त मंत्री मोहम्मद शत्ताह मारे गए हैं। जब ये धमाका हुआ उस वक्त शत्ताह की कारों का काफिला घटनास्थल के पास से गुजर रहा था। धमाके से आसपास के भवनों को भी नुकसान पहुंचा है। उत्तरी थाईलैंड में शुक्रवार को एक तेज रफ्तार बस के खाई में गिर जाने से कम 32 लोगों की मौत हो गई और 5 गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि ये बस खोनकेन से चांगराय प्रांत की ओर जा रही थी और फेटाचबन जिले में एक पुल से टकराकर 50 मीटर नीचे खाई में गिर गई। पुलिस के मुताबिक बस में 40 लोग सवार थे। मध्य अफ्रीकी देश सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में पिछले 2 दिन से जारी हिंसा के दौरान राजधानी बेंगुई में 8 शांति सैनिक मारे गए हैं। मारे गए सैनिक कनाडा के थे। शांति सैनिकों पर एंटी बलाका नाम के ईसाई आतंकी संगठन ने हमला किया है। बेंगुई के विभिन्न हिस्सों में अब तक 40 से ज्यादा शव बरामद हुए हैं।